नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के 100 दिनों में उनके किए गए कामों की। कौन कौन से काम नरेंद्र मोदी ने इन 100 दिनों के दौरान किए, जिनसे देश को आगे ले जाने का जो सपना नरेंद्र मोदी ने जनता को दिखाया था वो पूरा करने में मदद मिली। कैसा रहा मोदी सरकार के 100 दिन का कामकाज? सरकार फेल हो गई या हुई पास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इन 100 दिनों में सरकार ने क्या क्या बड़े फैसले लिए हैं जो आगामी दिनों में देश की तकदीर बदल देंगे। इन बड़े फैसलों में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, विदेश नीति जैसे बड़े क्षेत्र हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर हैं और जापान के साथ अपने 100 दिन के बीच बड़ी योजनाओं को अमली जामा पहना रही हैं। अपने जापानी दौरे पर जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इंडिया जापान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पार्टनरशिप के तहत भारत को 3.5 ट्रिलियन येन भारत के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में निवेश करने का बड़ा फैसला पूरा किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जापान इस दौरान भारत निवेश को बढ़ाकर दुगना कर देगा। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन में भी जापान टेक्नोलॉजी के साथ वित्तीय और ऑपरेशनल मदद करेगा। तो इन सभी वादों और समझौतों के लिए पीएम मोदी ने जापानी समकक्ष शिंजो आबे को शुक्रिया कहा है। तो वही मुंबई अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन की संभावनाओं को लेकर स्टडी भी शुरू कर दी गई है। ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष बना भारत। 2 साल की माथापच्ची के बाद आखिरकार ब्रिक्स देश एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक बनाने पर राजी हो गए। बैंक का मकसद होगा अहम योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसे की कमी को दूर करना। नरेंद्र मोदी नेपाल यात्रा पर गए हैं। 17 साल बाद कोई भारतीय पीएम द्विपक्षीय वार्ता के लिए नेपाल पहुंचा है। भारत ने पनबिजली योजनाओं के लिए नेपाल सरकार के साथ समझौता किया। सीसेट परीक्षा पर अहम फैसला लेते हुए सरकार ने तय किया कि अब मेरिट लिस्ट में अंग्रेजी पेपर के नंबरों को नहीं जोड़ा जाएगा। सरकार ने 2001 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने वाले छात्रों को एक और मौका दिए जाने की बड़ी बात कही। इस फैसले ने हिंदी भाषा के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बड़ी राहत दी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव को मंजूरी देते हुए सरकार ने तय कर दिया कि वो गंभीर अपराधों के मामले में 16 साल के बड़े किशोरों को भी वयस्कों की तरह सजा देगा। ये फैसला लेने की जिम्मेदारी सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पर छोड़ दी कि आरोपी पर मुकदमा बालिग के तौर पर चलाए। पीएम बनने के बाद 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया। लद्दाख में पनबिजली परियोजना का उद्घाटन करते हुए मोदी ने पर्यावरण, काश और पर्यटन का नारा दिया। यहीं पर मोदी ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो आतंकवाद के नाम पर छद्म युद्ध में लगा है। जजों की नियुक्ति के लिए राज्यसभा में न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल पास होते ही पुराना कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो गया। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता में कमी के आरोपों के चलते कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना हो रही थी। अब नए सिस्टम के तहत न्यायिक आयोग सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेगा। सरकार ने तय किया कि नक्सल प्रभावित सभी 10 राज्यों में मोबाइल की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए करीब 2000 नए टावर भी लगवाए जाएंगे। प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी बीएसएनएल को सौंप दी गई है, जो पहले ही इन इलाकों में 350 टावर लगा चुकी है। मोदी ने 15 अगस्त को ही देश से ये वायदा किया कि अगले 15 अगस्त तक कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जहां बच्चों के लिए शौचालय ना हो। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से ये भी कहा कि वो संसद निधि का इस्तेमाल स्कूलों में शौचालय बनवाने के लिए करें, ताकि बच्चे शौचालय ना होने की वजह से पढ़ाई बीच में ना छोड़े। मोदी ने ऐलान किया कि इसी साल 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया जाएगा। मोदी ने देश से ये वादा किया कि 2019 तक देश का हर शहर, हर सड़क, हर गली साफ सुथरी होगी। उन्होंने कहा ये काम सिर्फ सरकार से नहीं हो सकता, इसमें लोगों की मदद की भी जरूरत है।
मनमोहन सरकार ने सबसे अहम प्रोजेक्ट में से एक आधार परियोजना को मोदी सरकार ने 5 जुलाई को जीवन दान दे दिया। इस आशंका को दरकिनार करते हुए कि मोदी सरकार आने के बाद ये योजना बंद हो जाएगी, नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ आधार के लिए बजट दिया बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि ये प्रोजेक्ट उनकी निगरानी में जारी रहेगा। योजना आयोग के दिन खत्म होने का ऐलान करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के लोगों से नई संस्था के बारे में सुझाव मांगा। सरकार का कहना था कि 64 साल पुराना योजना आयोग वक्त के हिसाब से खुद को बदल नहीं पाया, लेकिन एक नई संस्था की जरूरत है। अब ये नई संस्था 21वीं सदी के मुताबिक विकास से जुड़े सुझाव देगी। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो नरेंद्र मोदी ने लगातार जो जनता से वादे किए थे लोकसभा चुनावों के दौरान उन्हें पूरा करने की दिशा में कड़े कदम उठाए। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 100 दिनों के दौरान कौन कौन से वो बड़े फैसले लिए और उन फैसलों को किस तरीके से लागू किया गया, जो वादे किए गए थे उन्हें किस तरीके से पूरा किया गया। किसी भी नई सरकार के लिए शुरुआत के कुछ महीने हमेशा ही निर्णायक रहते हैं। इस दौरान नई सरकार को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करना होता है और चुने हुए क्षेत्रों पर जोर देना होता है। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों में सरकार ने गवर्नेंस के मामले में कौन कौन से बड़े फैसले लिए? पाकिस्तान से बातचीत रद्द करने का कड़ा फैसला, जिन हरकतों के लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसकी इन्हीं हरकतों के चलते मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान के साथ होने वाली विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द कर दी। इसके पीछे पाक उच्चायुक्त के कश्मीरी अलगाववादी नेताओं से मिलने और पाक की ओर से लगातार हो रहे सीज फायर उल्लंघन को वजह बताया। वहीं मोदी सरकार के इस फैसले पर मीरवाइज उमर फारूक ने हैरानी जताई है। अब देखना है कि मोदी सरकार के इस फैसले का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ता है। 7 करोड़ परिवारों को जन धन योजना से जोड़ना, देश के 7 करोड़ परिवारों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने 28 अगस्त से प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की। योजना को तेजी से अमली जामा पहनाने के लिए बैंकों को बूस्ट करने के लिए मोदी ने खुद अधिकारियों को ईमेल किया। इस योजना में खाताधारक को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसके बाद अगले चरण में खाताधारक से बीमा और पेंशन उत्पादों को भी जोड़ा जाएगा। बीते 15 अगस्त को मोदी ने देश भर के 7 करोड़ परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने की घोषणा की थी। मेरे गरीब परिवारों की रक्षा कौन करेगा? एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। गंगा सफाई के लिए 80,000 करोड़ की योजना, गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार 80,000 करोड़ रुपए की योजना पर काम कर रही है। और मेरा मन कहता है, मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा भी नहीं है, माँ गंगा ने बुलाया है और गंगा मुझे आशीर्वाद दे। इसके तहत गंगा में गिरने वाले प्रदूषित जल और कचरे का उपयोग किया जाएगा। पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने गंगा को लेकर अपनी योजनाओं का खाका पेश कर लिया है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय गंगा के किनारों को पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने की योजना तैयार कर रहा है। ये पर्यटन स्थल गंगोत्री से गंगा सागर तक बनाए जाएंगे। इसके साथ ही पर्यटन मंत्रालय कश्मीर की तर्ज पर गंगा में शिकारा चलाने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहा है। गंगा में थूकने और कूड़ा फेंकने पर होगी जेल। गंगा नदी की सफाई के लिए मोदी सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के मुताबिक गंगा नदी में अब कूड़ा फेंकने वालों की खैर नहीं होगी। नदी में कूड़ा फेंकने और थूकने पर 10 दिन की जेल हो सकती है या फिर 1,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है।
वाराणसी और हरिद्वार में गंगा नदी के सफाई अभियान के लिए एक घंटे का साउंड शो भी लोगों को जागरूक करने के लिए फैसला लिया गया। देश में बनेंगी 100 स्मार्ट सिटी। मोदी सरकार ने देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला लिया है। किन जगहों पर इन शहरों को बनाया जाएगा, इस पर अभी फैसला लेना बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि देश की राजधानी में सबसे पहले ये शहर बनेंगे। पहले चरण में गुड़गांव, सोनीपत, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत 35 सैटेलाइट शहरों को स्मार्ट सिटी में बदला जा सकता है। इसके बाद कोलकाता की साल्ट लेक सिटी, नवी मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कांचीपुरम को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जा सकता है। मंत्रालय इस बात पर भी विचार कर रहा है कि इन शहरों की जनसंख्या 10 लाख या 40 लाख तय की जाए। पूर्वोत्तर राज्यों में भी एक एक स्मार्ट सिटी बनेंगी। अब इंडिया होगी डिजिटल। मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इंडिया डिजिटल योजना को मंजूरी दी गई। सरकार दिल्ली में न हो, सरकार रांची में न हो, सरकार हिंदुस्तान के नागरिक की हथेली में हो, ये काम है डिजिटल इंडिया का। इस योजना के मुताबिक देश में डिजिटल क्रांति को जमीन पर उतारना है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश के हर गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। इसके तहत ई गवर्नेंस, ई एजुकेशन और टेलीमेडिसिन जैसी व्यवस्था लागू करने का सरकार का मन है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में इंटरनेट के माध्यम से लेक्चर और क्लास की व्यवस्था की जाएगी। मोदी सरकार की सोच है कि भ्रष्टाचार पर लगाम और गुणवत्ता सुधारने में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की क्रांतिकारी भूमिका होगी। मोदी ने कहा था कि गांवों में सुविधा के अभाव में न तो डॉक्टर जाना चाहता है और न ही शिक्षक। गांव के लोग बुनियादी सुविधा से महरूम हैं। ऐसे में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से सरकार विकल्प की तलाश कर रही है। काले धन पर एसआईटी का गठन। साजिश, साजिश, धोखा, धोखा, पर भी यूं ने छोड़ा कोई न मौका, लूटा है पैसा जिसे हमने नहीं रोका, विदेशी बैंक में नेताओं ने मारा चौका, हम हो जा एक तो बन जाएगी बात, बात तुमको पता है भ्रष्टाचारियों की जात, जात उठो चलो चलो हमारे साथ साथ, अपना पैसा वापस लाएंगे आज। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज न्यायमूर्ति एमबी शाह की अध्यक्षता में एसआईटी काले धन मामले पर कार्य करेगी। कैबिनेट बैठक के बाद कानून, आईटी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया, विदेशों में जमा ब्लैक मनी के बारे में सार्थक कार्रवाई करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार एसआईटी का गठन किया गया। इस मुद्दे पर भारत सरकार ने सक्रियता दिखाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी काले धन पर जांच को लेकर एसआईटी की तारीफ की बात है। पहला स्टेप जो हुआ है उसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमें उम्मीद है कि लाखों करोड़ का काला धन जो देश के बाहर जमा है और देश के भीतर जमा है वो देश को मिलेगा, देश के विकास में लगेगा, देश की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से दूर हो। यूपीए के समय की 4 कैबिनेट समितियां भंग। सरकार के 15वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए और तीसरे की दिशा में अहम कदम बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने यूपीए कार्यकाल में बनाई गई 4 कैबिनेट समितियों को भंग कर दिया। क्या सुनाए, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो।
भंग की गई कैबिनेट समितियां UIDAI, महंगाई, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और WTO के मामलों पर आधारित थी। सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि UIDAI से जुड़े बड़े फैसले लिए जा चुके हैं और बाकी मामलों को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में रखे जाएंगे। माना जा रहा है कि फैसले लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए PM नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया है। मंत्रियों को कड़े आदेश। PM मोदी नहीं चाहते कि UPA सरकार की तरह NDA सरकार पर भी भ्रष्टाचार का दाग लगे, इसलिए मंत्रिमंडल के हर मंत्री को कड़े आदेश देते हुए कहा कि मंत्री अपने रिश्तेदारों को कोई ठेका न दें और सरकारी कामकाज में ईमानदारी बरतें। मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं को जल्द निपटाएं। मोदी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार तंत्र उनके हिसाब से काम करना शुरू कर दे। 9 EGOM और 21 GOM भंग। UPA सरकार के समय बने 9 EGOM और 21 GOM को मोदी ने सत्ता संभालते ही भंग करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इससे फैसले लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और लंबित मामलों पर अब मंत्रालय अपने स्तर पर उपयुक्त फैसला लेगा। बीमा और रक्षा क्षेत्रों में FDI। मोदी सरकार ने अपने आर्थिक सुधार एजेंडे को अंजाम देने की दिशा में रक्षा क्षेत्र में FDI के 49% और रेलवे में 100% FDI के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इसमें शर्त रखी गई है कि रक्षा क्षेत्र में बनने वाले संयुक्त उद्यमों का नियंत्रण भारतीय हाथों में होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये बोल्ड मूव 100% FDI इन डिफेंस सेक्टर, इससे पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। भारत एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मॉडर्न डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हब बन जाएगा। अब गन है तो एमिनेशन नहीं, एमिनेशन है तो गन नहीं, वेपनरी है नहीं, जवान भी कम है, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात करी है कि FDI जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये तो हथियारों के लिए है और हथियार आ गए तो फटाफट हमारी आर्मी भी एक महीने में, दो महीने में, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना है। मौजूदा NDA सरकार का कहना है कि रक्षा क्षेत्र में घरेलू उद्योगों का आधार व्यापक बनाने और उनके विस्तार के लिए इस क्षेत्र में FDI सीमा बढ़ाने की जरूरत है। रेलवे के इन क्षेत्रों में FDI आने और उदारीकरण आगे बढ़ने से रेलवे परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार में मदद मिलेगी। गैस पाइपलाइन से जुड़ेगा पूर्वी हिंदुस्तान। मोदी सरकार ने पूर्वी हिंदुस्तान को गैस पाइपलाइन से जोड़ने के लिए 400 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत के हिस्से गोरखपुर, जमशेदपुर, पटना, दुर्गापुर को गैस पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। मोदी ने कहा कि अब झारखंड की माता बहनों को गैस नल के जरिए मिलेगी। PM मोदी इनके अलावा कई छोटे बड़े फैसले और करोड़ों की योजनाओं को भी मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन मोदी के इन फैसलों का असर कब तक होता है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। सुदर्शन न्यूज के लिए संजीव गोयल की रिपोर्ट। तो ये तो थे मोदी सरकार के द्वारा लिए गए वो बड़े फैसले। अब बड़े फैसले लिए गए हैं तो जाहिर है कि उस पर प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मोदी सरकार के इन बड़े फैसलों पर क्या प्रतिक्रियाएं आई। जो इस सरकार ने वादा किया था कि हम महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, भ्रष्टाचार को रोकेंगे, काले धन को 100 दिनों के अंदर वापस लाएंगे, वो सब कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ अभी भी वादे किए जा रहे हैं। 100 दिनों में क्या हुआ है, जहाँ तक ग्राउंड रियलिटी है वो सबको पता है। जो इस सरकार ने वादा किया था कि हम महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, भ्रष्टाचार को रोकेंगे, काले धन को 100 दिनों के अंदर वापस लाएंगे, वो सब कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ अभी भी वादे किए जा रहे हैं, ऐसा होगा, ऐसा किया जाएगा। तो ये जो इस तरह के वादे से लोग अब परेशान हो रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो बिहार में हो, उत्तराखंड में हो, दूसरे राज्यों में हो, अब लोग का मोह भारतीय जनता पार्टी से और नरेंद्र मोदी से भंग हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को ये भी सोचना चाहिए, अगर सब विदेशी लोग यहाँ निवेश करने आ गए तो हिंदुस्तान के निवेशकों का क्या होगा, यहाँ के उद्योगपतियों को क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो विदेशियों को तो इतनी छूट दे दे कि हिंदुस्तान की बाजार पर कब्जा कर लें और हिंदुस्तान का जो मार्केट है, हिंदुस्तान के जो उद्योगपति हैं या आम जनता है, वो उसके प्रभाव में
अपना उद्योग धंधा चौपट कर बैठे। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जो कुछ भी घटित हुआ है उसने भविष्य में एक शानदार दिशा में आगे बढ़ने के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। कोई भी सरकार जब शुरू होती है तो उसके पहले कदम से उसकी दिशा क्या होने वाली है उसका आगाज दिख जाता है। हमारी सरकार आई और उसने जो पहला डिसीजन लिया कैबिनेट में वो था काले धन पर SIT का गठन करना। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में पहली बार ब्रिक्स बैंक का गठन, जिसका कि पहला CEO भारत से होगा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के फलक पर भारत को एक अलग विशिष्ट पहचान दिलवाना हो, ये सारे ऐसे कार्यों की शुरुआत हुई है जो साफ दर्शा रहा है कि अब भारत स्वर्णिम भविष्य की तरफ एक कदम आगे श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। 100 दिन में जो मुख्य सवाल महंगाई का रहा पूरे देश भर में, उस पे अगर हम देखें तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है, विशेषकर फूड इन्फ्लेशन। डीजल का भी अभी दाम इन्होंने एक बार फिर बढ़ाया, तो इनके कार्यकाल में मेरे ख्याल 4 या 5 बार डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम बढ़ाया है। रेलवे फेयर का दाम बढ़ाया, माल भाड़ा का जो ट्रेन का होता है उसका दाम बढ़ाया। कांग्रेस हताशा और निराशा से भरा है। 10 साल में जो उनको नहीं जमा वो आते ही नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिखाया, अब उसका श्रेय लेने का वो कोशिश कर रहे। लोग जानते हैं उन्होंने क्या किया, 10 साल में तबाह किया और अब बन रहा है देश मोदी जी के नेतृत्व में, तो लोग ये फर्क समझते हैं। भले कोई भी उसके लिए कुछ भी कहे, मैं इसको खारिज करता हूं। बहुत हुआ भ्रष्टाचार आपकी बार मोदी सरकार, तो जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, उन्होंने पार्लियामेंट का जो सत्र शुरू होने के पहले ही नृपेंद्र मिश्रा को स्थान देने के लिए अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे उन्होंने कानून का परिवर्तन किया अध्यादेश के जरिए, जो नीतिगत दिशा के चलते महंगाई हमारे देश में आसमान छू रही है, उस सवाल पे भी ये सरकार का कोई नीतिगत दिशा परिवर्तन के कोई कदम दिखाई नहीं दे रहा। में RO प्लांट्स लगाए थे वो चालू कर दिए गए हैं, सारे जनधन सेवा के द्वारा गरीबों को लाभ दिया जा रहा है, अच्छा सारे अच्छे काम हो रहे हैं, पानी की योजनाएं लाई जा रही हैं, बिजली की भी आपूर्ति हो रही है, सारे काम अच्छे हो रहे हैं। और जापान गए हैं, कुछ अच्छा करके आएंगे, देश के बारे में सोच रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले वाले शासन से अच्छा कर रहे हैं। वित्तीय योजनाओं के बारे में हर व्यक्ति को लाभ मिलने के लिए खाता खोलने की योजना शुरू हुई है, निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। सरकार मोदी देश में अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली थी, तो क्या आपको लगता है कि अच्छे दिन की शुरुआत हुई है? हाँ, शुरुआत तो हो रही है अच्छे दिन की, और कोई भी काम करने के लिए टाइम लगता है, थोड़ा मोदी सरकार को समय देना चाहिए। कांग्रेस वालों को 60 साल लगे, कम से कम इनको 60 महीने तो है ना। तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को मौका देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। केंद्र में जो सरकार है वैसा ही महाराष्ट्र में सरकार आना चाहिए, तभी तो विकास महाराष्ट्र का होगा। वह 15 साल में ये महाराष्ट्र की जो सरकार है, ये महाराष्ट्र की सरकार खाली घोषणाबाजी के सिवा दूसरा नहीं करे। अच्छे दिन की शुरुआत अभी तो दिखाई तो दी नहीं अभी तक, जो है पहले जो अच्छे दिन आए तो रेल के भाड़े बढ़ गए, उसके बाद में महंगाई जो बोल रहे थे महंगाई है वैसे ही है, बदलाव तो अभी तक कुछ दिखा नहीं, देखेंगे आगे क्या होता है। पंतप्रधान के हिस्से से अभी करेंगे, शायद करने वाले हैं, अभी देखेंगे आगे क्या होगा। आज हमारे यूपी में आज भी वही अशांति का समय, अशांति फैल रही है, रोज यूपी में दंगे हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमारे ऊपर बैठी है और वो राज्य सरकार को सौंप रही है, राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार को सौंप रही है। आज के देश में अच्छे दिन शुरू होने वाले थे, आपको लगता है अच्छे दिन की शुरुआत हुई है? तो होगी ना, थोड़ी दिन उसको काफी समय लगेगा, अभी तो उनके 100 दिन हुए हैं, थोड़े समय में अच्छे दिन आएंगे। तो आप नरेंद्र मोदी को इस चुनाव में भी मौका देना चाहते हैं? जरूर, अगर उनको मौका मिल गया तो केंद्र में उनकी सरकार और राज्य में उनकी सरकार आ गई तो बहुत अच्छे दिन आएंगे। हिंदुस्तान को आजाद हुए 68 वर्ष हुए, ये पहला भारतीय है जिसने देश के लिए ये कदम उठाया कि मैं एक सच्चा भारतीय हूँ, इसका कल्याण करूँगा। अब तक भारत के बारे में किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई देश को ऊंचा उठाया, उत्थान दिया जाए। मोदी जी अभी जनधन
सेवा वाला वो लेके आए हैं, वो लोगों गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कर्जा लेने में दिक्कत नहीं आएगी। पहले किसी कर्जा लेने के लिए किसी के पास जाते थे, वो सो नखरे दिखाते थे, अब बैंक जाएंगे, बैंक से लेके आ जाएंगे, बैंक में आ जाएगा, जब होंगे तब चुका देंगे। तो मोदी सरकार के फैसलों की जहां बीजेपी ने सराहना की, वहीं विपक्ष बीजेपी को घेरता नजर आया। चलिए आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी रहता है, लेकिन इस वक्त महत्वपूर्ण यही है कि आम जनता इससे कितनी संतुष्ट है। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और राजनीति की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।